आपको डून डिफेंस एकेडमी में किस तरह से एडमिशन लेना है, किस तरह से फॉर्म भरने, क्या क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में आज मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा अब अगला सेशन शुरू होने वाला है, उसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो सबसे पहले, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए आए यहाँ पे तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से करा के रखा है तो आपको इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है एडमिशन के टाइम पे। तो इसलिए सबसे सबसे ज़रूरी तो यह है कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो अभी फ़ीस है 700 रुपीज़, वो आपकी जो फीस है उसमें से ही है, उसमें माइनस हो जाएगी, क्योंकि 700 रुपये तो एडमिशन रजिस्ट्रेशन के दिन ही है। तो ऐसा नहीं कि आपके दो बार लगेंगे, एक ही बार लगेगा। जैसे आप एडमिशन के लिए आते हैं, जो जो लेके आना है आपको, मैंने वीडियो में पहले बता ही रखा है। अब कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो आपको पता है वो लेके आए, कुछ भूले मत, वो लेके आए। अब हमारी वेबसाइट में भी देख लेना, वीडियो में भी देख लेना आपको क्या क्या लेके आना है। जैसे आप यहाँ पे एडमिशन के लिए पहुँचते हैं तो आपका सबसे पहले रिसेप्शन पे वेलकम होगा। रिसेप्शन पे हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, रिसेप्शनिस्ट हैं, वो आपको आगे गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। उस सेकेंड स्टेप होगा आपका काउंसलिंग। एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन आपका यहाँ पे हम करने से पहले आपको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपकी परसेंटेज और आपके क्वालिफिकेशन, एज के हिसाब से आप कौन से कोर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल हैं। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा कोर्स करें, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, इट्स अप टू यू, बट विल गाइड यू, ताकि आप आगे भ्रमित ना हो। तो काउंसलिंग, हमारे काउंसलर्स द्वारा आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद एक आपको एडमिशन किट मिलेगा, एनवलप मिलेगा, उसमें कंप्लीट एडमिशन फॉर्म होगा, और जिसमें और भी कई सारे फॉर्म होंगे जो आपको फिलअप करने हैं। करीब 15 कलर फोटोग्राफ आप ज़रूर रख लेना। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया तो 700 रुपीज़ नहीं देने हैं, अगर नहीं कराया तो आपको 700 रुपीज़ पे करके वो एडमिशन किट लेनी है। और उस किट में जो फॉर्म है, आपको हमारे काउंसलर जो है वो आपको बताएंगे किस तरह से वो फॉर्म सारे भरने हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट हैं, वो जो आपके 10th के 12th के मार्कशीट के फ़ोटो स्टेट हैं, आपका आईडी प्रूफ है, डोमेसाइल है, कोई एनसीसी वगैरह कोई सर्टिफिकेट है, उन सबके फ़ोटो स्टेट उसके साथ लगेंगे। और जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो एक बार फिर से वो काउंटर साइन चेक होगा कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा, और चेक होने के बाद हमारा काउंसलर उसको टिक करेगा, यस आपका फॉर्म सही भरा गया। फिर आपको टोकन नंबर मिलेगा, उस टोकन नंबर से आप फिर वो फीस जमा कराने नेक्स्ट काउंटर पर जाएंगे। दो तरह के काउंटर रहेंगे, जिसमें एक साल वालों के लिए, एक 6 मंथ एंड बिलो कोर्स के लिए काउंटर रहेंगे, वहाँ पे आपकी फ़ीस जमा होगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, फीस हमारी एक साथ ही जमा होगी, फीस इंस्टॉलमेंट नहीं है हमारे यहाँ। अगर कोई कंसेशन की कैटेगरी में है, जैसे कि जो कैटेगरी है कंसेशन की, जिसमें उनके पेरेंट्स में कोई नहीं है, या एक्स सर्विस मैन या सर्विस मैन के बच्चे हैं जिनके फादर यूनिफॉर्म वाली जॉब में है, तो उनके लिए 10% की फ़ीस कंसेशन है, बट उसके लिए प्रॉपर प्रूफ आपको देना होगा, तो वो 10% आपको छूट मिलेगी। अदरवाइज और कोई छूट नहीं है और इंस्टॉलमेंट नहीं है। हॉस्टल की फ़ीस आप पर मंथ दे सकते हैं, अगर आपको हॉस्टल चाहिए होगा तो। आपका फ़ीस जमा होगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, आपको अलॉटमेंट रहेगा क्लास का। वो हमारे SDO स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं, वो आपको क्लास अलॉट करेंगे, सेंटर अलॉट करेंगे। और उसके बाद आपको हॉस्टल के पास, इंचार्ज के पास भेजा जाएगा, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो। हॉस्टल जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपलसरी नहीं है, इट्स योर चॉइस। DDA का अपना ओन खुद का कोई हॉस्टल नहीं है, हमने हॉस्टल टाई अप में किए हुए हैं। हाँ, वो सारे नीट एंड क्लीन हैं, प्रॉपर देख रेख में हैं, बट हमारी खुद की कोई बिल्डिंग नहीं है, हॉस्टल सारे टाई अप में हैं। 15 साल से हमारे बच्चे वहाँ रह रहे हैं, जिसमें सिर्फ DDA के ही बच्चे होंगे, बाहर के बच्चे नहीं रहते, तो वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट DDA के खुद के हॉस्टल नहीं है। अगर आपको हॉस्टल में, आपने हॉस्टल में गए और आपको मान लिया पसंद नहीं आया, 1 महीने बाद आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देके शिफ्ट कर सकते हैं, अपना ओन अरेंजमेंट भी कर सकते हैं या दूसरा हॉस्टल शिफ्ट कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको आई कार्ड सेक्शन में रिपोर्ट करना है,
आपका वहाँ पे फोटोग्राफ होगा और आई कार्ड इशू होगा आपको, और लाइब्रेरी यहाँ पे दून डिफेंस अकेडमी की लाइब्रेरी में, जहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी। बुक्स के साथ आपको टी शर्ट, बैग, कैप, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। हाउस के हिसाब से जो भी आपको हाउस अलॉट होता है उसके हिसाब से कलर, उसी कलर की टी शर्ट आपको मिलेगी। फिर आप हॉस्टल इंचार्ज के बाद वापस जाएंगे। अगर आपने हॉस्टल में जाना है तो हॉस्टल में आपको पहुंचाया जाएगा। अगर आपका खुद का ओन अरेंजमेंट है तो वो आप खुद कर सकते हैं, कोई लोकल है तो अपने घर से आना चाहे तो वो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे आने के बाद आपका प्रोसीजर रहेगा, एडमिशन स्टेप्स रहेंगे आपको इस तरह से फॉलो करने। वो आपको जो एडमिशन किट मिलेगी उस पर भी लिखा रहेगा कि किस तरह से आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब करना, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। बट यही फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें, आपको काउंसलिंग डेट आपकी बता दी जाएगी पहले ही, फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। कई बच्चे बिना रजिस्ट्रेशन कराए आ जाते हैं तो फिर उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर क्योंकि 700 रुपीज़ तो पे करनी ही है, चाहे वो पहले करें या बाद में करें, तो मेरी आपको राय यही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। तो दिस ऑल आर दी एडमिशन स्टेप्स विच यू हैव टू टेकन वाइल यू आर कमिंग फॉर दी एडमिशन। थैंक यू वेरी मच।